Hi everyone, a very good evening. So today we'll be discussing one of the most important sections of the SARFAESI Act, that is enforcement of security interest. इसको हिंदी में बताएं तो ऐसा हो जाएगा कि जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, हम लोग शुरू से एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हम लोग ने एक घर गिरवी ले लिया है, किसी आदमी ने एक घर गिरवी लिया है, ठीक है ना, लोन लिया है, इस मकान को देके लोन लिया है, बैंक ने इसको पैसा दिया, बैंक ने इसने अपना घर बैंक को कोलेटरल रखा है, ठीक है, और बैंक ने इसको कुछ अमाउंट दिया। अब ऐसा हो गया कि वो डिफॉल्ट हो गया है, तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, जब वो डिफॉल्ट हो जाएगा तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे एआरसी पिक्चर में आएगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, क्या एक प्रोसेस फॉलो होता है वो पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट। आपको बोरिंग भले ही लग सकता है, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ट्राई टू कीप यू पीपल एंगेज्ड। सेक्शन 13, enforcement of security interest, notwithstanding anything contained in section 69 or 69A of the transfer of property act, any security interest created in favor of any secured creditor may be enforced without the intervention of court or tribunal by such creditor in accordance with the provision of this act. simple baat ye kehta hai ki bhai jo bhi creditor hai, creditor matlab jisne paisa diya hai, apne case mein bank hai, theek hai, आप कहता है कि आप डिफॉल्टर हो गए हो, ठीक है, आप डिफॉल्टर हो गए हो, तो व्हाट, नो मैटर व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 69 और 69A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपको एट दिस स्टेज यू डोंट नीड टू नो व्हाट 69A और 69 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज। कहता है कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरीके से पैसा बैंक वापस ले, ये बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के हो सकता है। दिस इज द राइट गिवन टू द कोर्ट्स, ठीक, दिस इज व्हाट सेक्शन 1 सेज, सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 2 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज 13(2) की नोटिस। 13(2) की नोटिस, व्हाट इज 13(2) की नोटिस, ठीक है, वेयर एनी बोरोअर, अपने केस में बोरोअर वो है जिसका मकान लगा हुआ है, उसने पैसे लिए हैं, वेयर एनी बोरोअर हु इज अंडर द लायबिलिटी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक, ठीक है, मतलब बैंक में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बैंक अंडर अ सिक्योरिटी अग्रीमेंट, अंडर अ सिक्योरिटी अग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि जब आप लोन लेते हो तो एक लोन अग्रीमेंट साइन करता है, लंबे छोटे डॉक्यूमेंट होता है 20-25 पेजेस का, इन सर्टेन केसेस अबाउट 50-60 पेजेस, तो वो सिक्योरिटी अग्रीमेंट है ये, मेक्स एनी डिफॉल्ट, ठीक है, इन रीपेमेंट ऑफ अ सिक्योर डेट और एनी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। देखिए, आपने बैंक से मान लीजिए 100 रुपये लोन लिए, तो बैंक कह देता है कि भाई आप 10-10 रुपये हर महीने हमको 10 महीने तक लौटा दो, ठीक है, ऑल दिस में इंटरेस्ट लग के, बट कुल मिला के फंडा ये है, ठीक है, ये ईएमआई आपकी बन जाती है हर महीने की। अब वो कहता है कि अगर आपने एक भी ईएमआई आपकी छूट गई या आपकी सारी ईएमआई छूट गई, ठीक है, दो केसेस हैं, अगर एक भी आपकी ईएमआई छूट गई या आपकी सारी ईएमआई छूट गई तब क्या होगा, मेक्स एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द सिक्योर डेट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ एंड हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट इज क्लासिफाइड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, दो चीजें हैं, आपने या तो लोन की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी और आपका जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया है बैंक द्वारा, ठीक है, अब बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कब करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर में रिक्वायर द बोरोअर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज हिज फुल लायबिलिटीज। तो ये द सिक्योर्ड क्रेडिटर में रिक्वायर द बोरोअर बाय नोटिस, 13(2) की नोटिस में नोटिस वर्ड आ गया, कहता है कि बैंक एक नोटिस भेजता है अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट, उसमें क्या क्या लिखा होगा, टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लायबिलिटीज, उसमें लिखा होगा कि आप अपनी सारी लायबिलिटी है, दैट इज 100 रुपए, अगर मान लीजिए आप 50 रुपए तक दे चुके हैं तो कहेगा भाई 50 रुपए आपके बचे हैं, ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। कहता है भाई देखो, मान लो आज है, वॉट एवर डेट इज टूडे, ठीक है, 60 दिन के अंदर 13(2) की नोटिस ये कहेगी कि आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटी बची है आप सब क्लियर करो, ठीक है, अगर नहीं क्लियर करते हो तो बैंक क्या करेगा, 13(4) में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक्शन ले सकता है, ठीक, पहला प्रोविजन समझ गए। 13(2) में नोटिस में क्या आ जाता है, 13(2) की नोटिस में आ जाएगा कि भाई आपने डिस्चार्ज, अपनी जो लायबिलिटी है वो 60 डेज के अंदर आप निपटाइए, ठीक, दिस इज द फर्स्ट थिंग इट इज रिटन। कहता है अगर आप नहीं निपटाते हैं ऑन 61st डे बैंक जो है 13(4) की नोटिस आपको दे देगा,
13(4) की नोटिस में क्या क्या कर सकता है वो बैंक, वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग अगली बार सेक्शन 13, अगली वीडियो में सेक्शन 13(3) पढ़ेंगे, 13(3)A पढ़ेंगे, 13(4) पढ़ेंगे और पूरा सेक्शन 13 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज पूरा पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे हैड।